രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंभीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंभीरता से लेता है. लेकिन आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली है. इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल. कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल. जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल. और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा. और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं. आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा. और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और कहीं गोदी ले रहा है. लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत व्यू बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे. उनका इरादा नीम का होगा लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे. और आदरणीय सभापति जी.